सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से एक नई वीडियो के साथ पशुपालक भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में आगे डिटेल से पशुधन के बारे में जानकारी दें उससे पहले जो भी पशुपालक भाई वीडियो को पहली बार स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को लाइक करें ताकि वहां भी आपको रूटीन से वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। काफ़ी जानी पहचानी जगह और मैं कहूँगा काफ़ी विश्वास के जो पात्र पशुपालक हैं इनके यहाँ से ये वीडियो है। आज की जो वीडियो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हम लेके आ रहे हैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के गांव दिदोली से फौजी साहब के यहाँ से, नजेंद्र फौजी के यहाँ से रूटीन से हमारे चैनल पे जितने भी पशु भाई ने दिखाए हैं अच्छी अच्छी हीफर इनके यहाँ से जाके पंजाब के पशुपालकों ने ली, यूपी के पशुपालकों ने ली, अच्छा दूध भी तुलवाया है। काफ़ी सारी कटड़ियाँ बेचने वाले पशुपालक हैं लेकिन अलग सोच के और मैं कहूँगा साथ में आर्मी पर्सन हैं, ये एक विश्वास की जो डोर हम इनकी जो हमारे चैनल से या हमारे पशुपालकों से जुड़ी हुई, तो आज आपको मिलवाएंगे फौजी साहब को और जो पशुधन है उसके बारे में डिटेल से एक एक पशु के बारे में पूछेंगे। सामने आप देख पा रहे हैं नजेंद्र फौजी को। नमस्कार फौजी साहब। नमस्कार मंजीत भाई। नमस्कार आपकी वीडियो देखने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। राम राम जी। कितने दिन का रेस्ट लगाया आपकी बार? एक महीने का रेस्ट था। रेस्ट में पशुओं पे ज्यादा फोकस रखते हो? भाई सब जी क्या करें, तो घर पे क्या। आज कितने पशु दिखा रहे हो भाई साहब? आज एक की जोटी है, एक की काटली है, एक अपनी भैंस है, एक वो काटा है। अच्छा, टोटल चार है। अच्छा, शुरुआत करें पहले नंबर पे जो जोटी है, क्या कुछ डिटेल है इसके बारे में? दो दांत जोटी है। दो दांत और अभी एक हफ्ते की ब्याई है, 7 दिन की जी। और 12 किलो काटे का दूध तैयार है। 12 किलो काटे का। हाँ। साथ में बच्चा क्या है? साथ में बच्चा कटड़ी है, HLDP के सीमन की है। कौन से सीमन की है? सीमन ये 10-6-99 जैसा है। 10-26-99 जी जी जी। हाँ जी। तो आपने अपने यहाँ पे खुद AI करवाई थी? हाँ जी, हमने हमारे घर की काटड़ी है। इसकी मदर का भी 24-25 किलो है, रिकॉर्डेड है। और इसकी मदर भी अच्छी मदर है, 5 लाख रुपए इसकी मदर की भी लग रखे थे, उन्होंने दी नहीं। अच्छा, अभी भी आपके यहीं कहीं नजदीक है? नजदीक है मदर भी। तो देखिए पशुपालक भाई, काफी सारी भैंसे हैं जिनकी जो रिकॉर्ड बता दिया जाता है लेकिन इसकी जो मदर है वो भाई के यहीं नजदीक के आसपास के इलाके में, या कोई भाई अगर उसे भी देखना चाहे तो ये दिखा सकते हैं। 25 किलो दूध की भैंस की कटड़ी, 7 दिन की ब्याई हुई, 12 किलो दूध, 2 दांत में। एक बार इसको खोल लो फौजी साहब। तो साथ में 10-26-99 की ये कटड़ी बिल्कुल आप मानिए, कलर है वो जेड ब्लैक है, टेल में कुछ बाल जरूर थोड़े वाइट है, नीचे से आधा इंच इतने जो इस जोटी के भी हैं। और आप एक बार उस साइड ले चलो। ब्यूटी की बात करें तो ये देखिए जी, भिवानी कंपटीशन में भी कैंसुलेशन में आई थी और अच्छी जो क्वालिटी का पशु भाई ने जब जब वीडियो में दिखाया है ये देख सकते हैं जी। जो नीचे से बात करें तो बहुत ही टाइट अडर की है, पैर के बीच का बिल्कुल फंसा हुआ, ये देख सकते हैं। जो थनों की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी। ले आओ जी, एक बार करीब से आपको जो टीथ्स हैं वो दिखाएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छी जो बनावट नीचे से आप मानिए जो इस पशुधन की है। ये साइड में फौजी साहब ये नॉर्मल सर निशान भाई बचपन में इसका हो गया था। अच्छा, ये बचपन से ही है ऐसा कैसा ही है, सेम टू सेम, अभी कोई इसमें वो नहीं हुआ है। जी जी, ये देखिए जी, बिल्कुल टाइट और फिट आर्डर की है। थोड़ी बहुत बाई की शिकायत जरूर कर रही है क्योंकि पहले ब्यांत की जो कटड़ियां हैं मोस्टली कर देती हैं जो अच्छे दूध वाली होती हैं। ये देखिए जी, लोग बोलते हैं 25 किलो दूध की भैंस है लेकिन उसकी कटड़ी आप मानिए। ले आओ भाई साहब, रिजल्ट साथ में देना किसी भी पशुपालक के लिए बहुत ही मेहनत का काम है। और 12 किलो दूध अगर आज 7 दिन की ब्याई हुई में, तो आप मान सकते हैं अच्छा दूध कहीं ना कहीं निकालने की जो उम्मीद हम इस जोटी से करेंगे। तो इसको फौजी साहब बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे हो? मंजीत भाई अच्छे पैसे लगेंगे तो देंगे, नहीं तो घर पे रखेंगे। जी जी, एक्चुअली मैं 1 साल के लिए आया था, तब भी 70,000 रूपए में लेके आया था 1 साल की। 1 साल की बिल्कुल। चुवाई कैसी है इसकी? इसकी चुवाई बिल्कुल पोली है, बिल्कुल नरम। तो चुवाई करवाओगे या कैसे? अभी चुवाई तो एक टाइम दिखाने का कोई वो नहीं यार, दो टाइम तो कोई आएगा भाई वो देखे। जी जी, ऐसे तो एक टाइम तो
मैं वो नहीं करता, दो टाइम लेते हैं तब भी दो टाइम, देख के लेते किसी को देते तब भी दो टाइम। जी जी, एक टाइम में कोई वो नहीं है। हाँ, एक टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, कितना भी दूध दिखा सकती है पशु। तो ये इधर इफर है, इसकी क्या डिटेल है भाई साहब? ये भाई इफर अदंत है, वो भी अदंत है, ये दो दांत है, ये दिखा दो आपको। ये देखिए जी, दो दांत है जो काफी भाई, दो चार मिलती है, दो बताते हैं। देखिए जी, बिल्कुल क्लियर है जी, दो दांत जोटी और मानिए बिल्कुल कच्ची एज में। इधर ये कटड़ी, ये खीरी है, ये खीरी है। ये देखिए जी, अदंत है जी, बिल्कुल कोई भी दांत नहीं किया। हम मान सकते हैं कि आजकल जो रिपीटर कटड़ियां हैं वो सिस्टम आप नहीं देख पाएंगे यहाँ पे। तो क्या कुछ डिटेल है? ये पौने दो साल की है जी। और देखो कटड़ी तो ऐसे तो है नहीं कि बहुत खड़ी है। जी जी, अभी मैं एक महीने की छुट्टी आया था, मैं तो यही सोचता हूँ कि महीने में चाहिए एक बिक जाए अच्छी कटड़ी हो। जी जी, ये कटड़ी देखी बाड़ी है, इसकी मदर का 22 किलो रिकॉर्डेड है। हाँ हाँ, और अच्छी बैस की है, तभी लेके हम बिकेगी, तो बेचेंगे नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। जी जी जी, 575 की कटड़ी है। अच्छा, HLDB के? ये नहीं है कि कोई भाई अगर इसका टेस्ट भी करवाना चाहिए टेस्ट करवा सकता है। जी जी जी, बिल्कुल। अभी देंगे तो थोक बजा के लेंगे, थोक बजा के देंगे। मैं वो छोड़ दिया कि खरीद लिया, ये नहीं, अगर कोई अच्छी मिलेगी तो ही लेंगे, नहीं तो लेंगे भी नहीं अभी। अच्छा, मतलब जो एक बेच देंगे आप, देखिए दो पैसे महंगी चीज है ना, वो दुखती नहीं किसी को अगर अच्छी चीज दें तो। क्योंकि पता है क्या, कोई लोग अगर फोन करे ये खराब निकल गई वो निकल गए तो अच्छा नहीं लगता। तो आपने पहले भी कटड़ियां बेची थी, क्या कुछ दूध निकाला उन्होंने? मेरी कटड़ी मैंने जितनी भी दी ना कोई खराब नहीं निकली, 15 प्लस की निकली, 15 किलो पहले ब्यांत में। जी, मैं ये सोच रहा हूँ ये भी अगर कोई सही मिलेगा तो ही देंगे। कटड़ी मेरे हिसाब से तो 16-17 किलो देगी पहले ब्यांत में। 22 किलो इसकी मदर का है। देखिए अभी जो हम मानिए LDF का जो कोहिनूर बुल है, उसकी कटड़ियां पहले ब्यांत में 18-18, 19-19 किलो दूध निकाल रही है। तो आप मानिए एक अच्छी ब्लड लाइन का फर्क होता है। बाकी एक बार आपको नजदीक से दिखाएं तो बिल्कुल शो क्वालिटी की आप मान सकते हैं कटड़ी को। फेस बहुत ही छोटा है जी, लंबाई आप गर्दन की देख सकते हैं और कटड़ी की लंबाई अरे मिलेगी नहीं भाई साहब। मैं तो आप मानिए ज्यादा ऊंचाई की भैंस को दूध वाली नहीं मानता, जिसमें लेंथ ज्यादा होगी ना वो दूध की ज्यादा मिलेगी। लंबाई देखो, लंबाई कटड़ी के ना थन देखो बहुत ही अच्छे हैं जी। ये देखिए जी, नीचे से जो टीच हैं चारों अलग अलग बिल्कुल साफ सुथरे अभी से, बिल्कुल वो नहीं है कटड़ी में। कटड़ियां खरीदने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आज मंजीत भाई एक मिनट इसके यहाँ लेके आओ कैमरा, देखो ये देखो अभी से इसके ना ये कटड़ी में फासला देख लो, ये देख बता देते हैं कटड़ी की ये होता है। तो काफी सारी हीफर बेचने वाले हैं जो रिपीटर कटड़ियां हैं वो भी बिकती हैं, दो दांत, चार दांत, छह दांत, लेकिन अदंत जो सत्यापित करती है कि किसी तरह की इसके फिजिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे भी। कटड़ी के जो हर एक गुण है ना वो पूरे अच्छे हैं बिल्कुल। ये देखिए जी, टेल में भी दो चार बाल बीच में व्हाइट है, दिखाई भी नहीं पड़ते इतने खास, पीठ पुट्ठा काफी अच्छा। आगे इनके जो घर पे स्पेशल एक साल से इस भैंस को इन्होंने रखा है अपने पास, तो ये फौजी साहब ये बिक्री के लिए या कैसे दिखा रहे हो? मंजीत भाई ये बिक्री के लिए नहीं है। हाँ हाँ, अगर ये मेरे यही है कि बच्चा देगी तभी दूध तोल के ही दिखाओ। तोल के तो कितना दूध पिछले ब्यांत में अपने पास निकाला इसने? ये 21 किलो 700 ग्राम ऐसा कुछ दिया है। अच्छा, 21 700 ग्राम, 21 किलो मान लो, 21 किलो मान लो। अच्छा अच्छा, 21 किलो दूध कम नहीं है। तो इसकी हाइट देख लो, मेरी 6 फुट हाइट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये लगभग 5 फुट के लगभग इसकी हाइट। कितने लंबे टाइम दूध दिया है अपने पास? ये अभी तक दूध दे रही है, अभी हम बस इसको ड्राई कर रहे हैं। कितना टाइम है बच्चा देने में अभी? इसके 2 महीने बच गए। अच्छा अच्छा, 2 महीने सिर्फ कम है। जी जी, ये देखिए जी, साथ में इसका ये कटड़ा इसी का है? ये इसी का कटड़ा है। फिर ये बिक्री के लिए कटड़ा दे देंगे कोई लेगा तो। जी जी जी, ये देखिए साथ में जो ये बिक्री के लिए कटड़ा है इसी ब्यांत का, ये बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। आजकल काफी भैंसे सीमन को कंसीव नहीं कर पा रही, वो पशुपालक लेना चाहें तो ले सकते हैं। साथ में अच्छे दूध की भैंस रखते हैं, पहले भी भाई के पास अच्छी भैंस थी, अपने फार्म पे भी एक भैंस गई थी जिसने 24 किलो दूध जो अपने फार्म पे रिकॉर्ड करवाया वो भी इन्हीं के पास से गई थी। अच्छे पशु लेके आते हैं और दूध कम टाइम दूध देने वाले काफ़ी सारी भैंसें हैं, लेकिन इतने लंबे टाइम दूध निकालना बहुत अच्छी जो ब्रीड का काम मानिए, और दूध है वो एक नस्ल को देना है जी। मंजीत भाई एक चाहिए, एक दे दो अच्छी दूध की, मेरे यही सोचा अच्छे दूध की लेने की वो रहती है। अच्छा अच्छा, हाँ महीने में एक या
फिर अब की बार बेचोगे इसको, अब की बार बिक्री के लिए दिखाओगे? नहीं नहीं ताजी, जब ताजी को दूध तोल के देंगे। जी जी, तो एक बार अपना मोबाइल नंबर बताएं आप। 90 जी 34 जी जी 57 जी 29 जी 20 जी जी, और दूसरा नंबर भी 80 जी 59 जी जी 59 जी 4646 जी। तो ये दो कॉन्टेक्ट नंबर हैं भाई के, काफी अच्छी जो क्वालिटी का पशुधन दिखाया है, इसके लिए इनका भी धन्यवाद करते हैं। मंजीत, और कटड़ी का बता देता हूँ, कटड़ी का वही फोन करें कि ये कटड़ी इतने में दे दो, इतने में दे दो। कटड़ी एक रेट 70,000 रुपए में देनी है। 70,000 कोई लेगा तो ठीक है, नहीं तो अपने घर पे इसको वही लेगा जिसको पशु की नॉलेज है। पशु की नॉलेज ये देखिए, बहुत ही शानदार जो फेस की बनावट है। अगर आज कंपटीशन हो तो मैं कहूँगा एक जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक पोजीशन कटड़ी की जरूर है। कम खरीदें, अच्छी खरीदें, अदंत कटड़ियाँ खरीदने की कोशिश करें। इधर ये दो दांत जोटी इनके पास बिक्री के लिए उपलब्ध है। कोई भी बाइक खरीदना चाहता है वो संपर्क कर सकता है, काफ़ी विश्वास के पात्र हैं, काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। तो इनका ये पशुधन आप पशुपालकों को कैसा लगा कॉमेंट्स करके ज़रूर बताएँ। सभी भाई जुड़े, सभी का धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।